चला गया तो क्या करें, अभी तक यही सोच रहे हो। अच्छा, जब वो था ही नहीं तब क्या किया करते थे, सुबह से शाम कैसे बिताया करते थे। हाँ, माना उसके आने के बाद जिंदगी थोड़ी हसीन हो गई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके जाने के बाद हम गम में डूब जाएं। अब कुछ दिनों की खुशी के खातिर सारी उम्र उस खुशी का कर्ज उतारना जरूरी है क्या? जब कुछ महीनों की खुशी सारी उम्र साथ नहीं रह सकती है, तो उस टूटे हुए रिश्ते का गम अब तक क्यों समेट के रखा हुआ है? तुम्हें क्या लगता है, ब्लॉक म्यूट डिलीट कर देने से सब ठीक हो जाएगा? कहां तक भागोगे और भाग किससे रहे हो, उस रिश्ते से? पर उसमें तो दो शख्स थे ना। चलो मान लिया कि उसको अलग कर भी दें, पर खुद को खुद से कैसे अलग करोगे? मुमकिन नहीं है तो कोशिश भी मत करो। मत करो कोशिश किसी को भुलाने की, बल्कि ये याद करो कि तुम्हें क्या करना है। अरे, जिसे जाना था वो चला गया, पर तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास अभी भी तुम हो। तुम अब कहीं भी जा सकते हो बिना किसी को बताए। तुम्हें अब किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्यों, कब, कैसे, ये फालतू के सवाल अब कोई नहीं पूछेगा तुमसे। तुम आजाद हो तो अपनी आजादी का जश्न मनाओ और शामिल करो खुद को हर खुशी में जो एक्चुअल में कभी तुम्हारी हुआ करती थी। तुम्हें पसंद है ना वो ब्लैक वाली ड्रेस, वो कुल्हड़ में चाय, वो बेबाक तरीके से हंसना, तो हंसो ना यार। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता है यार। देखो, दुनिया बहुत छोटी है, तो कभी ना कभी या कहीं ना कहीं तुम्हारी राहें टकराएंगी जरूर। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि उस वक्त तुम्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है या वहीं रुकना है।